हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित तंवर। भाई आज के टाइम पर हाइब्रिड कार काफी ज्यादा ट्रेंड में है और भाई इनका सबसे बड़ा रीजन है कि इनमें हमें माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। जैसे अपनी मारुति ब्रेजा है तो भाई इसमें हमें माइल्ड हाइब्रिड टेक का सपोर्ट मिलता है और भाई कंपनी इसे स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से प्रमोट करती है, जिसकी बैजिंग हमें पीछे मीटर वगैरह पे काफी जगह देखने को मिल जाती है। इससे भाई माइलेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन भाई अब कुछ कार ऐसी आ रही है जिनमें हमें स्ट्रांग हाइब्रिड मिलता है। जैसे एक तो टोयोटा हाइराइडर हो गई और मारुति की ग्रैंड विटारा हो गई। वैसे भाई दोनों कार एक ही है, इनमें हमें माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा होंडा सिटी हो गई, टोयोटा कैमरी हो गई, इन सब में क्या है भाई माइलेज काफी अच्छा मिलता है। जैसे अभी अगर बात करें तो जो नई लॉन्च हुई है ग्रैंड विटारा, इसमें हमें 28 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज क्लेम किया गया है कंपनी से। भाई काफी ज्यादा होता है एक पेट्रोल एसयूवी के लिए। इन सब पर तो आज अपन बात नहीं करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी ब्रेजा में हाइब्रिड सेटअप दिया गया है इसके बारे में, भाई ये कैसे काम करता है और इससे माइलेज एफिशिएंसी पर कितना फर्क पड़ता है। और इसके अलावा इसमें जो बैटरी दी गई है वो भाई को ड्राइवर साइड दी गई है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ये बैटरी बाई चांस खराब हो जाती है तो आपको क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है, तो आज इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगा कि भाई ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करें स्मार्ट हाइब्रिड की, तो भाई ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी एडवांस है, जो हमें पहली बार 2015 में मारुति सियाज में देखने को मिली थी, जो इंडिया की पहली कार थी जो स्मार्ट हाइब्रिड सेटअप के साथ आई थी। और अब तो भाई हमें मारुति की 5 कार्स में देखने को मिल जाता है, जैसे भाई नई ब्रेजा हो गई, अर्टिगा, XL6, एस्ट्रोस और सियाज, इन सब में आता है। दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड का जो मेन काम है वो है हमारी कार की फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाना और जो इंजन परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करना, जिससे हमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले, साथ में माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाए। यह एक डुअल बैटरी सेटअप है जिसमें एक बैटरी तो अपनी हुड के अंदर रखी होती है, जिसका मेनली काम होता है गाड़ी को स्टार्ट करना, और दूसरी बैटरी अपनी को ड्राइवर साइड रखी होती है सीट के नीचे। इसका जो काम होता है वो होता है जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो भाई टॉर्क असिस्ट का काम है, वो कैसा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसका जो मेन काम है, जब आप अपनी कार को एक आइडियल कंडीशन पर चला रहे हो तो भाई ये आपकी इंजन की पावर को कट डाउन कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता, और ये बैटरी से पावर देना शुरू कर देती है। और जब इसको पावर की ज्यादा जरूरत होती है तो भाई इंजन साइलेंटली वर्क करना शुरू कर देता है। ये सब काम इतने साइलेंटली होता है कि भाई हमें इन चीज का पता भी नहीं चल पाता है। इससे जब इंजन की पावर कट डाउन होती है, बैटरी से पावर मिलनी शुरू हो जाती है, तो पेट्रोल वगैरह खर्च नहीं होती है, तो इससे माइलेज एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाती है गाड़ी की। और इसका जो दूसरा काम है वो है कि जब आप अपनी कार को एकदम से एक्सीलरेट करते हो तो भाई आपको काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो इंजन तो पावर दे ही रहा है, तब ये बैटरी जो को ड्राइवर साइड प्लेस की गई है ये टॉर्क असिस्ट का काम करती है, जिससे भाई आपकी गाड़ी का एक्सीलरेशन काफी बेहतर हो सके और पेट्रोल कम खर्च हो, जिससे आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिले। और जो बैटरी की पावर है जो लॉस होती है वो भाई ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाती है, जब आप गाड़ी से ब्रेकिंग करते हो या फिर जब आप गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ देते हो, गाड़ी चल रही होती है तो उस टाइम पे रिचार्ज हो जाती है। ये सब चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब जो स्मार्ट हाइब्रिड है इसके फायदे क्या क्या है, एक तो हमें माइलेज काफी अच्छा मिलता है, दूसरी चीज है इंजन पर लोड ज्यादा नहीं पड़ता तो इंजन की लाइफ काफी बेहतर हो जाती है, और इंजन के साथ ही बैटरी भी अपनी पावर देती है तो भाई टॉर्क असिस्ट का काम करती है, तो हमें परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज, इससे पॉल्यूशन काफी हद तक कम होता है, जिससे भाई हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा है। इसके अलावा आप में से काफी सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई जो बैटरी है वो को ड्राइवर साइड प्लेस की गई है, तो भाई इससे सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई मुझे जितना पता है कि ये बैटरी इतनी ज्यादा हीटअप नहीं होगी, क्योंकि इसका जो काम है वो है भाई टॉर्क असिस्ट करना, बाद में रीजनरेट होके चार्ज हो जाती है, तो इस पर क्या है भाई लोड इतना ज्यादा नहीं पड़ना है, तो बैटरी ज्यादा हीटअप नहीं होगी, तो शायद जो चीज आप सोच रहे हो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके अलावा एक सवाल और था, अगर ये बैटरी खराब हो जाती है तो भाई इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या मुझे एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए। तो भाई आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, अभी ये बैटरी देखो नई गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, काफी हाई क्वालिटी की बैटरी होती है, इतनी जल्दी कोई भी दिक्कत नहीं आती है इनमें, आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, आपका 5 साल का तो फ्री हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो भाई इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, एक बात तो क्लियर है भाई इनकी कॉस्टिंग काफी आती है, वैसे इतनी जल्दी खराब होती नहीं है, फिर भाई बैटरी है कभी तो खराब होगी, ये बात तो आप मान के चलो, जिंदगी भर कोई चीज नहीं चलती है। तो भाई अब चलते हैं, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अभी आप देखो, अभी जैसे मैं हल्का सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो भाई अभी जो पावर दिखा रही है इसमें, अभी वो इंजन की साइड से दिखा रही है, ठीक है, ये आपने देख ली कि अभी जो पावर आ रही है वो टोटल इंजन की साइड से आ रही है। और भाई जैसे ही मैं अब इसके एक्सेलरेटर को थोड़ा सा डाउन करता हूँ, डीएक्सेलरेट करता हूँ, तो ये देखो आप इसमें रीजनरेटिंग होने लगी है, इसमें आपको दिख रही होगी ये वाला एक तो ये साइन आ गया, ठीक है, और इसकी ये रीजनरेटिंग इसमें चली रही है। तो भाई ये बैटरी अपनी चार्ज हो रही है अभी,
अभी इसकी बैटरी काफी लो हो रखी है, तो भाई इसकी बैटरी की तरफ से कोई भी पावर नहीं आ रही है। अभी जैसे मैं अभी एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो भाई बैटरी अपनी पावर नहीं दे रही, क्योंकि भाई बैटरी काफी लो हो चुकी है। दो तीन दिन से मेरी गाड़ी ऐसी चल रही है कि भाई बैटरी चार्ज नहीं हो पाई है इसकी। थोड़ी सी गाड़ी अभी जैसे चल जाएगी 4-6 किलोमीटर तो भाई ये बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाएगी और बैटरी की तरफ से भी पावर देना शुरू हो जाएगी। तो भाई अब अपनी गाड़ी चल चुकी है 3-4 किलोमीटर, तो भाई अब इसकी क्या है बैटरी भी थोड़ी सी चार्ज हो चुकी है, जो अपनी हाइब्रिड वाली बैटरी होती है वो। तो भाई अब देखो, अब मैं जैसे ही थोड़ी सी एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो भाई दोनों साइड से पावर आ रही है, देखो आपको दिख रही होगी ये देखो दोनों साइड से पावर आ रही है, बैटरी की साइड से भी पावर दिख रही है। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, स्पीड भी बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी, और जैसे ही मैं एक्सेलरेटर छोड़ता हूँ तो भाई ये बैटरी चार्ज हो रही है, रीजनरेटिंग आपको दिख रही होगी। तो ये भाई काफी अच्छे से काम करता है, जिससे भाई माइलेज एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाती है गाड़ी की। माइल्ड हाइब्रिड मारुति का कैसे काम करता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो मैं फिर से एक्सेलरेट करता हूँ तो बैटरी की साइड से भी पावर आएगी, ये देखो ये आनी शुरू हो चुकी है दोनों साइड से। तो ये काफी अच्छे से काम करता है, ये जो इतना कम माइलेज दिखा रहा है एमआईडी में, ये भाई कल के टेस्ट की वजह से है, क्योंकि भाई कल अपनी गाड़ी एसी चालू होने के साथ 1 घंटे तक खड़ी रही थी एक ही जगह पर, तो ये माइलेज काफी कम हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने टेस्ट किया था कि ब्रेजा की एसी 1 घंटे में कितना पेट्रोल खाती है। तो भाई आप लोगों ने जो कमेंट की थी उसके ऊपर मैंने आज का ये वीडियो बनाया, आप लोगों को बता दिया कि हाइब्रिड सिस्टम इसका कैसे काम करता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में।